खबर शामिल करते हैं। टोबा टेक्सिंग से राणा काशिफ एजाज की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज 6 सितंबर योम दिफा के मौके पर कलमा चौक पर शम रोशन करने की तकरीब हुई। जिला इंतजामिया की जानिब से शहदाए और गाजियों को खैराज तहसीन पेश करने के लिए शम रोशन की गई। ज़िला इंतजामिया की जानिब से शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए शमें रोशन की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम, डीपीओ सैयद करार हुसैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार, असिस्टेंट कमिश्नर बिलावल अली हंजरा, डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर महमूद हुसैन कुल और सीईओ एजुकेशन ताहिर मंसूर, रेस्क्यू एमरजेंसी ऑफिसर, सिविल सोसाइटी, ताजर बरदरी और माइक्राम मीडिया नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहदा और इनके लवाहिकीन पाक फौज के माथे का झूमर हैं। पाक फौज और पुलिस के जवान अपने घरों और खानदानों से दूर रहकर हमारे जानो माल की हिफाजत करते हैं। शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। आज कौम को ये पैगाम भी देना है कि शहदा और उनकी फैमिलीज की कुर्बानियों का एहतराम हर पाकिस्तानी का फख्र है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने कहा कि दिफाए वतन के लिए अपनी कीमती जाने निछावर करने वाले शहदा हमारी आन बान और शान हैं। आज पूरी कौम शहदाए वतन और इनके खानदानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार कर रही है। शहदा की रूहों को एहसाले सवाब के लिए फातह खवानी और बुलंदी दर्जात की दुआ भी की गई।